हेलो नमस्कार, सुखोपीडिया में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ टॉर्क्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक लॉ है, टाइमनन साइन इंजूरिया। इसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे डैमनन का मतलब होता है डैमेज, साइन का मतलब विदाउट, इंजूरिया का मतलब इंजरी। तो मतलब डैमेज तो हुआ है लेकिन बिना इंजरी के। और यहाँ पे इंजरी का मतलब क्या होता है कि लीगल राइट्स से है, मतलब यहाँ पे कि जैसे मान लीजिए इंजरी हुआ है, लीगल राइट्स, आपका लीगल राइट्स अगर ब्रीच नहीं होता है, मतलब आपके विधिक कानून का, मतलब विधिक अधिकार का हनन अगर नहीं होता है, तो अगर आपका कोई डैमेज भी होता है, कोई हानि भी होती है, जैसे सर्विस, हानि में क्या होता है, डैमेज में क्या जा सकता है, सर्विसेज, मनी, कंफर्ट, प्रॉपर्टी। तो अगर आपके किसी प्रॉपर्टी या कंफर्ट या मनी या सर्विसेज की हानि हुई है यहाँ पे, या मतलब डैमेज हुआ है लेकिन कोई इंजरी नहीं हुआ, इंजरी मतलब आपके किसी लीगल राइट्स का ब्रीच नहीं हुआ है, तो वहाँ पे कौन सा लॉ लगेगा, डैमनन साइन इंजूरिया। मतलब यहाँ पे कोई एक्शन नहीं होगा, मतलब आपको कुछ भी नहीं मिलेगा कंपनसेशन में, देयर इज नो एक्शन इन डैमनन साइन इंजूरिया अगर लॉ अगर लगता है। मतलब अगर इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, बिना क्षति के हान, मतलब कोई क्षति नहीं हुई है, मतलब किसी लीगल राइट्स का हनन नहीं हुआ है, तो आपको कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा। इसका बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक एग्जाम्पल भी देखेंगे, उससे पहले इसका एक डिफिनेशन भी देख लेते हैं। द लिटरल मीनिंग ऑफ द मैक्सिम डैमनन साइन इंजूरिया इज लॉस और डैमेज इन टर्म्स ऑफ मनी, प्रॉपर्टी और एनी फिजिकल लॉस दैट अकर्स विदाउट द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ एनी लीगल राइट। इट इज नॉट एक्शनेबल इन लॉ इवन इफ द एक्ट वॉज इंटेंशनल एंड डन विद द इंटेंट ऑफ कॉजिंग हार्म टू समवन एल्स बट विदाउट इन्फ्रिंजिंग ऑन द पर्सन्स लीगल राइट्स। तो मतलब जब तक भी आपका लीगल राइट्स ब्रिच नहीं हो रहा है, तो आप किसी भी डैमेज के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे, मतलब आपके ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा। तो इसका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल देख लेते हैं, ग्लोसेस्टर ग्रामर स्कूल केस। इसमें क्या हुआ था कि एक ग्रामर स्कूल टीचर था जो पहले से पढ़ा रहा था बच्चों को, तो उसके सामने अपोजिट में ही, उसके पास में ही एक और टीचर ने एक ग्रामर स्कूल ओपन कर दिया। अब क्या हुआ था कि जो इसके पहले पास जो स्टूडेंट पढ़ रहे थे उसके पास चले गए, क्यों, क्योंकि उसने फीस थोड़ा कम कर दिया इनके कंपेयर में। तो अब क्या हुआ वहाँ पे, जो इसके पास फॉर एग्जांपल मान लीजिए 100 स्टूडेंट्स थे, उसके पास जो इसमें से 60 स्टूडेंट्स उसके पास चले गए, तो जो इसको 100 स्टूडेंट्स के लिए जो फीस मिल रही थी अब कितने की मिल रही है, 40 की मिल रही है। तो इसका क्या हुआ, मनी लॉस हुआ। तो अभी क्या किया, ये कोर्ट में गया कंप्लेन करने के लिए कि सर मेरा तो लॉस हुआ है। अब क्या लॉस हुआ है, मनी लॉस हुआ है, क्योंकि पहले मेरे 100 स्टूडेंट्स थे और इन्होंने एक मेरे सामने ही एक ग्रामर स्कूल ओपन कर दिया है, और सर जो मेरे पास स्टूडेंट आते थे अब इनके पास जा रहे हैं, तो एक तरह से मेरा हानि हुआ है, यहाँ पे डैमेज हुआ है। तो वहाँ पे जज ने पूछा कि आपका कोई लीगल राइट्स ब्रीच हुआ है यहाँ पे, तो उन्होंने बोला नहीं, तो आप इस पर कोई एक्शन नहीं लिया है, क्योंकि डैमनन साइन इंजूरिया में क्या होता है, एक नो एक्शन होता है। अगर आपकी हान होती है, मतलब सर्विस का, मनी का, कंफर्ट का या प्रॉपर्टी का, लेकिन कोई लीगल राइट्स अगर ब्रीच नहीं होती है, तो आपको कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा। तो ये था आज हमारा किसके बारे में, डैमनन साइन इंजूरिया के बारे में। अगले वीडियो में हम बात करेंगे इंजूरिया साइन डैमनन के बारे में। नाउ प्लीज सब्सक्राइब सुखोपीडिया, सुखोपीडिया को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।